हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैनेजमेंट में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग का टॉपिक हमने लास्ट स्लाइड से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टाफिंग की मीनिंग, डेफिनेशन और इसके इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स कवर कर लिए। ठीक है, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। क्या स्टाफिंग का प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीड किया जाता है, सो लेट्स कवर। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग फर्स्ट व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्टाफिंग, सो ईजली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेस। ओके, स्टाफिंग मीन्स इट इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन। अगर मैं स्टाफिंग की बात कर रहा हूँ, इट इज़ अ मेन फंक्शन कम्स मेन फंक्शन इन मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग। ओके, सो इट इज़ मैनेजरियल फंक्शन विच इन्वॉल्व्स obtaining, utilizing and retaining qualified and competent personnel to fill all position of organizations। ठीक है, तो स्टाफिंग मीन्स कि इफ देर आर नंबर ऑफ पोजिशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस, दैट पोजिशन फिल बाय द मैनेजर्स। ओके, तो उसी को स्टाफिंग कहते हैं। यू आर रिक्रूटिंग, यू आर सिलेक्टिंग, ठीक है, एंड प्लेसिंग अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, दैट इज स्टाफिंग। जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक बेस्ट अप्रोप्रिएट और फिट कैंडिडेट को एक पोजीशन पे प्लेस कर रहे हो, ठीक है, वही स्टाफिंग है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे वर्ड्स आए हैं, जैसे कि ऑप्टेनिंग। ऑप्टेनिंग मीन्स यू आर रिक्रूटिंग, यू आर सिलेक्टिंग अ फिट कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, किसी भी एक पोजीशन के लिए आप फिट कैंडिडेट, यानी कि जो उसके लिए बेस्ट है उस पोजीशन के लिए, उसको आप प्लेस कर रहे हो, वो स्टाफिंग है। यूटिलाइजिंग, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करना है, ठीक है, डिवीज़न ऑफ वर्क एंड उनको अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करना है, वो स्टाफिंग है। एंड रिटेनिंग, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन करके रखना है। ओके, फॉर दिस पर्पज़ यू हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, आप उनको कुछ ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, ताकि उनके स्किल्स इंप्रूव हो और बेटर तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करें। ठीक है, तो वो भी क्या है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टाफिंग। क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल एज वेल एज वेन एवर यू आर रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग इंडिविजुअल या वैकेंट पोजिशन, दैट पोजिशन एंड कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पोजिशन। जो भी पोजिशन है, ठीक है, जिस भी पोजिशन पे, जिस भी एक जो भी वैकेंट पोजिशन है, उस पर जो भी आप कैंडिडेट हायर कर रहे हो, वो कैंडिडेट क्वालिफाई होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ, ठीक है। अब एक आईटी स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो जब भी आप जो भी पोस्ट है वो आईटी मैनेजर की है या फिर आईटी असिस्टेंट की है, तो आप क्या जब भी उस पोजीशन के लिए कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, प्रोसेस जो करेंगे, तो वहाँ पे आप जब भी ये प्रोसेस प्रोसीड करेंगे तो ये देखेंगे कि भाई कैंडिडेट मस्ट बी पजेस सच काइंड ऑफ आईटी स्किल्स, ठीक है, उसके पास आईटी स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे जज करोगे बाय आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इंटरव्यू में हम बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करते हैं और इंडिविजुअल जो भी कैंडिडेट होता है उसकी नॉलेज, उसके स्किल्स को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़, कॉम्पिटेंट पर्सनल टू फिल ऑल पोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम टॉप टू ऑपरेटिव लेवल, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे जो स्टाफिंग की बात कर रहे हैं, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल, तो तीनों ही लेवल पे एप्लीकेबल है। इन फाइनल टर्म्स, स्टाफिंग इज प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्टाफिंग, देन यू कैन से दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। किसी भी एक राइट जॉब के लिए एक राइट पर्सन को आप अगर आप प्लेस कर रहे हो तो वो स्टाफिंग है, ठीक है। जो भी जॉब पोजीशन है और उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस पोजीशंस की जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके हिसाब से अगर आप एक फिट कैंडिडेट को वहाँ पे प्लेस करते हो तो वो स्टाफिंग है, ठीक है। जैसे कि आप एचआर मैनेजर को रिक्रूट कर रहे हो, तो सो यू हैव टू इंश्योर कि ही एंड शी हैज़ एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज, ठीक है, प्लस मैनेजरियल स्किल्स, तीनों चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, तभी आप उसको उस पोजीशन पे प्लेस करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग स्टाफिंग इज प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो ये तो मीनिंग हो गया डेफिनेशन स्टाफिंग की, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है स्टाफिंग का, इम्पॉर्टेंस पहले इम्पॉर्टेंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मेन टॉपिक हमारा प्रोसेस का है,
यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिखी हुई है, इट एम्स एट एम्प्लॉइंग डिप्लॉइंग एंड मॉनिटरिंग अ कॉम्पिटेंट एंड कंटेंट स्टाफ डेली वेजेस वेज अर्न कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज कंसल्टेंट रेगुलर एम्प्लॉय टू अंडरटेक वेरियस मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो भी हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, चाहे हम किसी कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं, किसी एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, तो इस ये सारे क्या हैं, सोर्सेज हैं स्टाफिंग के, जहां हम इन सब सोर्सेज के थ्रू वर्कर्स को हायर कर सकते हैं एम्प्लॉय को। ठीक है, क्या मेन इंपॉर्टेंस होते हैं स्टाफिंग के, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्कफोर्स टू फिल डिफरेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटर तरीके से हम जो भी डिफरेंट पोजिशन हैं उनमें बेस्ट कैंडिडेट को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है, हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव रहे, और वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव तभी रहेगी जब राइट पर्सन ऑन राइट जॉब होगा। ठीक है, तो ये क्या है, मेन पार्ट होता है स्टाफिंग का। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है, इट इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी बाय अपॉइंटिंग द राइट पर्सन एंड राइट जॉब। ठीक है, थर्ड वन है, इट फैसिलिटेट इन आइडेंटिफाइंग द स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट होती रहती है हम उसके लिए प्लानिंग डिसीजन मेकिंग प्रॉपर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करके एक बेस्ट कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग हमें हेल्प करता है फॉर रिक्रूटिंग बेस्ट कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट एंश्योर कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय वे ऑफ सक्सेशन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जितने भी जो भी मैनेजर है वो एक प्रॉपर प्लानिंग करता है। ठीक है, और उस प्लानिंग को प्रोसीड करके, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके स्टाफिंग के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करता रहता है। ठीक है, सो इस ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। आपकी कंपनी की सर्वाइवल और ग्रोथ तभी होगी जब कॉम्पिटेंट पर्सनस को आप हायर करोगे। ठीक है, जिनके पास प्रॉपर स्किल्स हैं और बेटर वो अपनी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को दें। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है, इट डेवलप पर्सनल टू टेक अप टॉप मैनेजरियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर मैं स्टाफिंग की बात कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। तो जितने भी हम लोगों को हायर करते हैं, वी हैव टू प्रोवाइड सम टाइम ट्रेनिंग एंड डेवलप। ठीक है, तो इससे क्या है, जो हमारे जो पर्सनल हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो स्किलफुल हो जाएंगे। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंस में यही बताया गया है, इट डेवलप्स पर्सनल टू टेक अप टॉप मैनेजरियल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ताकि वो टॉप मैनेजर पोजीशन पे भी प्लेस हो सके। जैसे कि अभी कोई भी एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है, सो अगर वो उसने बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर लिया, एक्वायर किया, ठीक है, और अपने जो मैनेजर स्किल्स हैं उसको पॉलिश कर लिया, तो वो फ्यूचर में मैनेजर की पोस्ट पे प्लेस हो सकता है। ठीक है, सो ये एंश्योरिटी होती है स्टाफिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू। इट एंश्योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इट असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग द ऑप्टिमम ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को बेटर और ऑप्टिमम तरीके से यूज करना है। ठीक है, स्टाफिंग इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर हम राइट पोजीशन पे प्लेस होंगे तो हमारा विलिंग हम वहाँ पे विलिंगनेस के साथ काम करेंगे, हमारा मोरल बूस्टअप रहेगा और हम अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, हम अपने ही एरिया में बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे करते हैं। ठीक है, हमारा वहाँ पे हमेशा इंटरेस्ट बना रहता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करती हैं। सो फर्दर इट हेल्प्स द टॉप मैनेजमेंट इन असरटेनिंग द मैन पावर रिक्रूटिंग रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रमोशन ट्रांसफर एम्प्लॉय टर्नओवर रिटायरमेंट एंड द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, सो देर आर सच सम स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टेप बाई स्टेप वी हैव टू फॉलो दीज पॉइंट्स, सो इजली यू कैन फॉलो द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। सो फर्स्ट स्टेप इज मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, वेन एवर यू आर गोइंग टू बी स्टार्ट एंड प्रोसीड दिस फंक्शन, यू हैव टू डिसाइड एंड मेक अ सच काइंड ऑफ डिसीजंस अबाउट यूर ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो मैन पावर के रिगार्डिंग आप प्लानिंग करेंगे। सो मैन पावर प्लानिंग पॉपुलरली नोन एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉरकास्टिंग द फर्म डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स इन द एडिक्वेट नंबर इन द फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
पहले प्रोसेस में हम ये देखते हैं भी आने वाले टाइम में कितनी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की। अगर मैं एज अ फैक्ट्री में एज अ एचआर मैनेजर काम कर रहा हूँ तो मैं फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करूँगा कि भाई हमारा कितना हमारे पास वर्कलोड है, कितने हमारे पास ऑर्डर्स हैं अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, और उसके हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट आ रही है। ठीक है, तो उसको फॉरकास्ट करना, ठीक है, और उसी हिसाब से एक प्लानिंग करना, तो वही फर्स्ट प्रोसेस स्टेप है मैन पावर प्लानिंग। सेकंड जो प्रोसेस में स्टेप है वो है रिक्रूटमेंट। फिर ठीक है, जब आपने एक बार प्लानिंग कर ली कि भी कितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट इट एंटेल सीकिंग, स्टिमुलेटिंग एंड ऑब्टेनिंग एज मैनी एप्लीकेशन एज पॉसिबल फ्रॉम द एलिजिबल एंड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को इन्वाइट करते हैं जो भी पोजीशन वैकेंट है उसको फिल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई भी एक पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आपने उसके लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट निकाला, ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट। इट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट टू सीकिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एज अ पॉसिबल फ्रॉम द एलिजिबल एंड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट, जहाँ आप उन एप्लीकेशंस में जो भी एलिजिबल है और कॉम्पिटेंट है उसको हायर कर सको। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्शन। इट इज़ द डिसीसिव स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द एप्लीकेंट्स। ठीक है, इस सिलेक्शन में आप क्या करते हो, जितने भी कैंडिडेट आपने बुलाए हैं, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट करते हो सो एज टू आइडेंटिफाई चूज द कैंडिडेट हु इज़ बेस्ट फुलफिल द क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई जितने भी आपने सपोज आपने आपके यहाँ जितने भी जो भी पोजीशन है उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन आई जिसमें से आपने 10 लोगों को सिलेक्ट किया। अब आप उन 10 लोगों का इंटरव्यू करेंगे, उनको डिफरेंशिएट करेंगे कि भी कौन बेस्ट है उस पर्टिकुलर पोजीशन को फिल करने के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्वालिफिकेशन जज कर रहे हो, एक्सपीरियंस जज कर रहे हो, सो हु बेस्ट फुलफिल द क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैकेंट पोजीशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप है प्लेसमेंट। फिर आपको जो बेस्ट कैंडिडेट मिल जाएगा, द एलोकेशन ऑफ रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिलेक्टेड कैंडिडेट इज़ नोन एज प्लेसमेंट, आप उसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज़ ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। सो आफ्टर द प्लेसमेंट द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू प्रोवाइड न्यू एम्प्लॉय विद द इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर फॉर द फंक्शनिंग कम्फर्टेबली एंड एफिशियंटली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू जॉइनिज टू जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ठीक है, तो ओरिएंटेशन और इंडक्शन एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम जो भी न्यू जॉइनी है उसको हम फैमिलियर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे, अबाउट द पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पोजीशन जिसके लिए उसको हायर किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ कम्युनिकेट की जाती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इन दिस स्टेप द न्यू जॉइनीज अंडरगो ट्रेनिंग टू एक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स। ठीक है, आप उसको ट्रेनिंग देते हो ताकि वो कुछ जो भी स्पेसिफिक टास्क हैं उसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स को एक्वायर करें। डेवलपमेंट इंप्लाय लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर द ग्रोथ टू एम्प्लॉयज। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, अ रेशनल असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्लियर कट बेंचमार्क। ठीक है, और साथ के साथ फिर लास्ट जो स्टेप है इसमें हम बात कर रहे हैं कि भी आप जो जितने लोगों को आप हायर करते हो उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करते हो, टाइम टू टाइम आप उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करके चलते हो। ठीक है, ताकि आप प्रॉपर स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट कर सको। तो लास्ट स्टेप यही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। आफ्टर दैट करियर मैनेजमेंट। करियर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल अंडरस्टैंड एंड लर्न न्यू स्किल्स एंड इंटरेस्ट टू यूज देम टू बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ। ठीक है, सो देयर मस्ट बी नंबर ऑफ चांसेस करियर टू इंक्रीज अबाउट द करियर। ठीक है, करियर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो कैंडिडेट प्लेस होते हैं पोजीशंस पे वो बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। ठीक है, न्यू स्किल्स एक्वायर करते हैं एंड इंक्रीजिंग देयर लर्निंग आल्सो, इंक्रीजिंग देयर मैनेजरियल स्किल्स टू परफॉर्म बेटर प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन रिफर्स टू द कंसिडरेशन विच इज़ इंडिविजुअल गेन इन रिटर्न ऑफ हिज हर कंट्रीब्यूशन। जो भी वो कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में दे रहा है उसके रिटर्न में उसको जो भी अमाउंट मिल रहा है दैट इज़ कंपनसेशन।
स्टाफिंग प्रोसेस रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच पर्सन एम्प्लॉय बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हर पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू है, उसकी अपनी एक वर्थ होती है. ठीक है, एज द वर्क ऑफ एवरी इंडिविजुअल कीप द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग सो एक्वायरिंग अ गुड स्टाफ. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम स्टाफिंग करते हैं तो हम ये इंश्योर करके चले कि भी जो भी कैंडिडेट हम हायर कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए और एलिजिबल होना चाहिए एंड दे हैव सच काइंड ऑफ स्किल्स ऑल्सो. ठीक है, ताकि आप उनको पॉलिश करके बेटर तरीके से उनको यूज़ कर सको. सो ओके, थैंक यू वेरी मच. आज का टॉपिक यही था. थैंक यू.